नमस्कार दोस्तों, सी एस टी वी की लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कस्मो मनीष बेला। आज के एपिसोड में हम जानेंगे संविधान पीठ क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये टॉपिक और आज के एपिसोड में संविधान पीठ की बात हमने चर्चा में क्यों रखी। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सामलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से जुड़ी याचिकाओं को संविधान पीठ के सामने उसके समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। और इस मामले में अदालत ने यह कहा है कि यह मुद्दा संवैधानिक अधिकारों और विशेष विवाह अधिनियम सहित विशेष विधायी अधिनियम से जुड़ा है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर ये संविधान पीठ क्या है और उसका कैसे गठन किया जाता है और किसके पास उसकी क्षमता है और उसकी क्या क्या काम होती है। यह सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ होती है जिसमें 5 या उससे अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो संविधान पीठ का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145+3 के तहत किया गया है। तो दोस्तों, संविधान की व्याख्या के संबंध में या कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले को फैसला कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया जाना चाहिए। यही प्रावधान 145 अनुच्छेद भारत संविधान के सब क्लास 3 में लिखा गया है। ऐसी पीठ को संविधान पीठ कहा जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 5 या अधिक न्यायाधीश होते हैं। भारत में ये बेंच अस्थाई है और मामले के निपटारा के लिए उसके बाद उसको भंग कर दी जाती है। हालांकि इन पीठों का गठन नियमित तौर पर नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिकांश मामलों की सुनवाई और निर्णय के बाद और उसके निर्णय 2 न्यायाधीशों जिन्हें डिवीजन बेंच कहा जाता है और कभी कभी 3 सदस्यों की पीठ द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि संविधान पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास संविधान पीठ स्थापित करने की शक्ति है। संविधान पीठ कानून के प्रश्न पर एक व्यापक दृष्टिकोण देती है और कानून को परिभाषित करती है तथा उसकी परिभाषा को व्याख्या करती है। भारत में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 21 संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। उनके बाद जस्टिस एएस खानविलकर और जस्टिस अशोक भूषण क्रमशः 15 और 10 पीठों में शामिल रहे हैं। उसके बाद चलिए समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि संविधान पीठ की गठन करने की क्या परिस्थितियां होती है। वर्तमान में ऐसी 4 स्थितियां हैं जब ऐसी पीठ का गठन किया जा सकता है। पहला, यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। दूसरा, यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत किसी कानून या तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगता है। इस मामले में हालांकि शीर्ष अदालत का निर्णय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकार नहीं है और वे एक अलग दृष्टिकोण ले सकते हैं। और तीसरा स्थिति ऐसा है कि जब 2 न्यायाधीशों की पीठ और बाद में 3 न्यायाधीशों की पीठ एक ही मुद्दे पर परस्पर विरोधी निर्णय देती है। और चौथी और आखिरी स्थिति है, यदि 3 न्यायाधीशों की पीठ एक निर्णय देती है जो किसी मुद्दे पर पिछली 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय से अलग होता है, तभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि संविधान पीठों का गठन का जरूरत होती है। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं संविधान पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से जुड़े कई ऐतिहासिक मामले जिनमें अदालत ने कुछ हद तक अंतिम रूप से कानून का निपटारा किया। संविधान पीठों द्वारा तय किया गया कुछ इम्पोर्टेंट जो केस है, एक है एके गोपालन बनराम मद्रास राज्य, जो कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ हो। दूसरा, केशमानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला, जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना सिद्धांत के मुद्दे पर दिया गया था। और तीसरा, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, जो कि
ओबीसी आरक्षण की केस के संबंध में ये पीठों द्वारा तय किया गया था। तो दोस्तों, सीएचटीवी का लर्निंग एपिसोड में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।